वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक दिन बाबा महा हरनाम सिंह जी रूमी विच अपने आसन ते बैठे सन। कुछ मुंडे पुछो कलांदे जो अपने पशु चारण लई रूमी आए हुए सन, वह सारे बाबा जी कोल पहुँच गए। बाबा जी खुश बैठे सन, बच्चों नूं देख के प्रसन्न हो के कहन लगे, बच्चे अज की खाना है? सारे ने कहा, बाबा जी अज गुड़ ही खवा दिओ। बाबा जी ने फरमाया, गुड़ पुची मंडी तो आ रहा है। गोविंदपुरे नूं पुछो मंडी ही नेड़े पैंदी सी। इस पिंड दे दो प्रेमी अपने ऊठां उपर गुड़ लिया रहे सन। जदों ये रूमी दे रास्ते गोविंदपुरे नूं जाण लगे तां बाबा जी ने बहालदास जी नूं हुक्म दिता, इन्हां कोल की लद्दिया होया है? बहालदास जी हुक्म सुन के उन्हां कोल पहुँच के पुछण लगे, तुहाडे कोल की है? उन्होंने जवाब दे दिता, साडे कोल तां लूण है। झूठ बोल दिता, उन्हें भरया होया तो गुड़ सी, पर ख्याल आया एवं पांच सत्त फेर गुड़ मंगणगे, लूण ही कह दिओ। बहालदास जी बाबा जी पास आ कहन लगे, महाराज वह तो लूण दसते हैं। बाबा जी ने मुस्कुरा के बचन किया, चंगा भाई उन्हें पास ही तो गुड़ ही, बाकी जिमें चाहते हैं उस तरह ही हो जाएगा। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए, जो उन्हें कहा से उ बन गया। हूँ गुड़ गुड़ ना रहा, लूण बिच बदली हो गया। महापुरखा अगे झूठ बोलन का फल मिल गया। जिस वेले घर पहुँचे अपने ऊंठा बिठा के गुड़ उतारिया, जदों वेख्या तो सारा लूण ही बन गया सी। झट चोट लगी मन में, लानता पाउन लगे पे अपने आप में क्यों जो झूठ बोलिया सी। फिर बीते वेले नूं पछता रहे सन, ख्याल आया कि बाबा जी पास जाके माफ़ी मंग लीए, क्योंकि झूठ दे व्यापार का लाभ सामने सी। गोविंदपुरे तो वापस मुड़ पे, बहालदास जी ने बेनती की, महाराज आग्या होवे तो बाबा जी अगे अर्ज करनी है। बहालदास जी ने बाबा जी अगे बेनती की, पातशाह गोविंदपुरे तो गुड़ वाले प्रेमी आए हैं, उन्हें कोई बेनती करनी है। बाबा जी ने फरमाया, आ जाण दिओ। वो बाबा जी को आके चन्नी ढह पे, शहनशाह सानू बख्शो, साडे कोलों भुल हो गई है, असी झूठ मारिया जिसका नतीजा साडे सामने आ गया है, तुसी बख्शनहार हो, साडे ते मेहर करो, साडा सार आ गुड़ लूण बिच बदल गया है। बाबा जी थोड़ा मुस्कुरा के कहन लगे, तुसी लूण कहा सी, लूण ही होना सी। उन्हें तल्ले नाल कहा, महाराज असी गरीब हाँ, असी होर गुड़ लियाउण तो असमर्थ हाँ, हुण कृपा करो रहमत दे घर बिच आओ। जदों कोई निमाणा हो के महापुरखां दे चरणी आ ढेंदा है, महापुरख बड़े रहम दिल हुंदे हन, बख्श दिंदे हन। बाबा जी ने बचन किया, जो होना सी हो गया, पर तुहाडा लूण ही गुड़ दे भाव बेचा जाएगा, इसनों बेच आना। सो ये बचन मन के उन्होंने लूण बेच दिता, उस तरह ही होया गुड़, लूण गुड़ दे भाव बिक गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।